गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते हैं। यह आपका इस चैप्टर का पार्ट टू वीडियो है। पार्ट टू वीडियो में हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं आयनों का बनना, यानी आयन कैसे बनते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आपको बता रखे थे कि जब कोई तत्व का परमाणु, जैसे लेते थे सोडियम, ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी इसको क्या करेगा, त्याग कर दे रहा है, वन इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दे रहा है और ये किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, तो इसमें प्लस चार्ज आ रहा है और यही प्लस चार्ज आना ही धनायन कहलाता है। तो लिखा हुआ है कि जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तब यह परमाणु धनाविष्ट हो जाता है, और इसके विपरीत जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना वो ऋणाविष्ट हो जाता है तो ये धनाविष्ट तथा ऋणाविष्ट परमाणु आयन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये जो है ये सोडियम आयन है। उसी तरह अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका आपको पता है 287, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बन जाएगा, Cl माइनस, है ना। धनाविष्ट होना, ये ऋणाविष्ट होना, ये देख रहे हैं ये दोनों क्या है, आयन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और ये ग्रहण कर रहा है, ठीक। तो जिनके ऊपर धन आवेश रहता है उनको धनायन कहते हैं और जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है उसको ऋणायन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, धनायन और ऋणायन की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए इसे विशेषता जानने से पहले एक दो और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो इसके वाहक कक्षा पे 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस तरह से लिखा जाएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बन जाएगा O2 माइनस, यानी इसके पास 2 और 8, इस तरह से आ जाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे इनके विशेषताओं के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ जो सोडियम का देख रहे हैं, ठीक है, तो सोडियम का एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, इस पे देखिए धन आवेश है। तो पहला विशेषता यही हुआ कि जो भी धनायन होते हैं उन पर धन आवेश होता है ना। फिर उसके बाद क्या बात करते हैं, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन है 11 और इसमें इलेक्ट्रॉन है 10, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो होता है इनके इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण कर लेने से भी इनकी परमाणु संख्या नहीं बदलती है। परमाणु संख्या इसका भी 11 होगा और इसका भी 11 ही होगा, परमाणु संख्या नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या परिवर्तित हो जा रहा है और ये क्या होता है, परमाणु संख्या नहीं बदलता है। उसी तरह अगर इसकी बात करें तो ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये नजदीक के उत्कृष्ट गैस के बराबर हो जाते हैं, जैसे ये बराबर होता है नियोन के, क्योंकि उसके 2 और 8 इस तरह से होता है, देख रहे हैं ना, इसके नजदीक में। तो ये सब विशेषताएं थोड़ी इसकी हम लोग लिख लेते हैं इसमें। चलिए, तो वही जो विशेषताएं आपको समझाया है वही हम यहाँ पे लिख दिए कि किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं, देखे थे अभी धनायन पर धन आवेश रहता है। परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर भी उनके परमाणु संख्या अपरिवर्तित, परमाणु संख्या नहीं बदलता है। धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम किसके बराबर रहता है, उत्कृष्ट गैस के सदृश हो जाता है। धनायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है, क्योंकि जब सोडियम है, जैसे मान लीजिए और इसका देखे थे ना 2, 8, 1, ये 3 ऑर्बिट पे आ रहे हैं ना, 3 ऑर्बिट बन जा रहा है इनके लिए, 3 का कक्षा लेने पर जा रही है। लेकिन ये जो है धनायन में जब परिवर्तित हो जाएगा तो इसके लिए 2 ही कक्षाओं की जरूरत होती है, ठीक है, इनका आकार भी छोटा हो जाता है, ठीक। धातु परमाणु से धनायन बनते हैं, ठीक है, धातु से ही क्या बनते हैं, धनायन धातु में होते हैं ना विद्युत धनात्मकता गुण, तो वो धनायन बनाते हैं। लेकिन एक अपवाद आपको बता दे कि हाइड्रोजन और अमोनिया अपवाद है, ठीक है, ये अधातु होते हुए भी क्या होते हैं, धनायन में ही रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन देख रहे हैं आपको बता रखे हैं, उस तरह अमोनिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH4, इस पर भी प्लस चार्ज रहता है, लेकिन दोनों क्या है, अधातु, ठीक। उसी तरह अगर हम ऋणायन की विशेषताओं की बात करें तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन का 2, 8 और 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और ये क्या बन जाता है, ऋणायन परिवर्तित हो जाता है 2, 8। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है, उसके विपरीत है ये, यहाँ जो है मूल परमाणु से है ना अधिक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें देख रहे हैं ना, इसमें जो है आपका 17 है, इसमें 18 है, इस पर ऋण आवेश होता है। तो वही लिखा गया है कि ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऋणायन पर ऋण आवेश रहता है। मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर भी इनके परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अगर इसका परमाणु संख्या 17 है तो इसका भी परमाणु संख्या 17 ही रहेगा। ठीक है, रिडायन में भी रिडायन उसके निकटतम अपने उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही हो जाते हैं। ये भी अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस है ना, आर्गन जो होता है, आर्गन का भी देखिएगा 2, 8 और 8 इस तरह ही रहता है, ये उत्कृष्ट गैस है। हीलियम, नियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन ये उत्कृष्ट गैस होते हैं। रिडायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है, इसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। रिडायन के गुण अपने मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, इसके गुण से ये बिल्कुल इसका गुण क्या होता है, भिन्न होता है। तो अगर हम इसके बाद अगर हम विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्व की बात करें तो आपको यहाँ से ये पता चल गया। तो विद्युत धनात्मक कौन होते हैं, तो जो जिस तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं उसे विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं, है ना। जैसे जितने भी धातु थे, सोडियम देखिए, मैग्नीशियम देखिए, एल्युमिनियम देखिए, ये सब क्या है, विद्युत धनात्मक होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं। इस पे 2+ है ना, इस पे आपका 3+ कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत और जिनके जिन तत्व जो तत्व इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, है ना, अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक जब पूरा कर लेते हैं, देख रहे हैं लिखा कि जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना रिडायन में परिवर्तित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक। जैसे क्लोरीन हुआ ना उसमें माइनस था, समझ रहे ना, ऑक्सीजन था ना उसमें 2-, तो ये सब क्या कहलाते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं और ये विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक बंधन के यानी केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो केमिकल बॉन्ड क्या कहलाता है ना, रासायनिक बंधन क्या कहलाता है, तो वह रासायनिक बंध जो दो जो किसी अणु में ऊपर अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, अणु के परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। तो ऐसे अगर इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखा जा सकता है परमाणुओं के परस्पर संयोग करके प्रक्रिया के अनुसार रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला होता है वैद्युत संयोजक बंधन और या आयनिक बंधन, है ना, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड, है ना। या दूसरा होता है आपका सहसंयोजक बंधन यानी कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वैद्युत संयोजक बंधन देखेंगे, उसके बाद सहसंयोजक बंधन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा से आपको ये क्लियर हुआ कि रासायनिक बल द्वारा जब दो अणु परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखते हैं, है ना, तो ऐसे बंधन को क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी कि ये किसके अंदर होगा, अणुओं के अंदर होता है। ठीक है, या तो वो यौगिक के अणु होंगे, है ना, या वो तत्व के अणु होंगे। ठीक है, दोनों में होता है। तो चलिए इस पे एग्जांपल देके हम लोग समझेंगे इसके बंधन और ये दोनों के प्रकार भी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैद्युत संयोजक बंधन क्या कहलाता है। पहले बात करते हैं वैद्युत संयोजक बंधन यानी आयनिक बंधन के बारे में। तो दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहते हैं। इसे ध्रुवीय बंधन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ कह रहे हैं दो परमाणु, जैसे हमारे पास है सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, तो आप ये भी जान लीजिए कि कोई भी रासायनिक बंधन बनता है 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो अगर सोडियम की बात करें तो आपको बता रखे इसका होगा 2, 8, 1, 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, है ना। उसी तरह अगर क्लोरीन की बात करें तो इसमें कितने हैं, 2, 8 और 7। तो चलिए इस पे इसको देखते हैं क्या होता है इस पर। तो चलिए अगर ये सोडियम है तो इसके 72 कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सिंबल क्रॉस से दिखा रहे हैं और इसके डॉट से दिखा दिया जाएगा, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 72 कक्षा पे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 2, 4 और ये 2, 6 और 1 यहाँ दे देते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजन, यानी कि ये जो होगा यहाँ से अब ये दोनों क्रिया करके ये सोडियम क्या होगा, यहाँ से सोडियम का जो ये परमाणु है ये कहाँ विस्थापित हो जाएगा, क्लोरीन के पास, यहाँ क्लोरीन के पास ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ विस्थापित हो जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन है, है ना, और ये 2, 2, 4 और 2, 6 ये यहाँ से ट्रांसफर होकर इसके पास आ जाएगा। यानी कि अब ये किस तरह से बन जाएगा, तो सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और ये क्रॉस इसके पास आ जाएगा, तो क्रॉस आते ही ये क्या बन जाएगा, Cl, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ
दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये जुड़गा एक यहाँ आ गया, तो इसके पास एक और क्रॉस आ गया और एक डॉट दे दिया। ठीक है, देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, क्रॉस और डॉट से दिखाने का तात्पर्य है कि ये सोडियम का है तो उसके इलेक्ट्रॉन अलग होंगे ना, और एक क्लोरीन का है तो इसके अलग होंगे, इसलिए डॉट और क्रॉस से दिखाई दे रहा है। इस पे रीड आवेश आ जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये ग्रहण किया है दूसरे से और ये दूसरे को दिया है, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, तो ये जो बन गया यहाँ से क्या बन गया, NaCl फॉर्म हो गया। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, तो यहाँ क्या हुआ कि स्थानांतरण हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको चेंज दे दिया, तो ये जो होता है ये भी एक तरह का रासायनिक बंधन ही है, लेकिन कैसा रासायनिक बंधन है, तो वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन का ये या ध्रुवीय बंधन के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे, है ना, एक और बंधन बना के देखते हैं इसमें। तो चलिए हम लोग अगला लेते हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो कैल्शियम का पता है आपको कि इसकी बाह्य कक्षा पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन पे कितना होगा, छह होते हैं ना, दो दो चार और ये रहा दो छह, तो ये भी स्थानांतरण होकर यहाँ आ जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, Ca2+, यानी दो इलेक्ट्रॉन का यह त्याग कर देगा, और ये ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो दो दो चार दो छह और वो दो क्रॉस वाले आ जाएंगे इसके पास। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन दूसरे से दिया है, यानी कि अब ये किस पे बन गया, CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में यह परिणत हो गया, समझ गए। ये भी बंधन कैसा बंधन है, वही आपका ध्रुवीय बंधन कही है, वैद्युत संयोजक बंधन कही है ना। अगली बात करते हैं हम लोग, वैद्युत संयोजकता क्या होती है। ठीक है, तो वैद्युत संयोजकता की बात करें तो वैद्युत संयोजकता यहाँ लिखा हुआ है कि किसी किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिणत होने के लिए उसके द्वारा त्याग, है ना, त्याग या प्राप्त की गई, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। यानी कि अगर बात करें सोडियम दो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, यानी कि इसकी वैद्युत संयोजकता हुई एक। उसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, यानी इसकी वैद्युत संयोजकता हुई एक, है ना। तो ये जो है आयन में जो परिणत हो रहा है सोडियम, इसकी वैद्युत संयोजकता हुई एक, क्लोरीन इसकी वैद्युत संयोजकता हुई एक, उसी तरह मैग्नीशियम की वैद्युत संयोजकता हुई दो, है ना। उसी तरह अगर बात करें क्या बचा आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैद्युत संयोजकता हुई दो, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी ये त्याग करना ग्रहण करना, है ना, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे ग्रहण करेंगे वही उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। तो अब इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये यौगिक धन और ऋण आवेशित आयनों के बने होते हैं। तो वैद्युत संयोजक जो होते हैं धन और ऋण आवेशित यौगिक जो बने होते हैं, और इनके द्रव्यमान और पथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये जल में प्रायः विलय किंतु बेंजीन, है ना, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। इनमें ये घुलते नहीं है लेकिन जल में घुल जाते हैं। तो अगर वैद्युत संयोजक यौगिक की बात करें जैसे NaCl लिए, है ना, साधारण नमक, तो इनका द्रव्यमान और पथनांक भी छोगा, ये धनायन और ऋणायन के बने होते हैं और ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं ना, जल में घुल जाता है नमक। ये द्रवित तथा जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आपको बता रखे हैं अम्ल भस्म लवण पढ़ाते हैं, तो आपको पता था कि अम्ल भस्म और लवण का जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक करता है। तो यहाँ भी वही चीज कह रहा है, ठीक है, ये भी तो एक लवण ही है ना, तो इसलिए क्या कर रहा है, विद्युत का सुचालक करता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन जो होगा विद्युत का सुचालन करेगा। अगला बात करते हैं हम लोग सहसंयोजक बंधन, यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है। तो जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें दो परमाणु आपस में जब साझा करेंगे, आपस में साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो वैसे बंधन को क्या कहते हैं, वैसे रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब सहसंयोजक बंधन की बात करें तो ये तीन प्रकार का होता है। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि सहसंयोजक बंधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला एकल सहसंयोजक बंधन यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा द्विक सहसंयोजक बंधन यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा त्रिक सहसंयोजक बंधन यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं एकल सहसंयोजक बंधन क्या कहलाता है। चलिए, तो एकल सहसंयोजक बंधन क्या कहलाता है कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म का साझा होता है तब उनके बीच एकल सहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे बात करें उदाहरण के लिए हाइड्रोजन अणु लिए, ठीक है, यहाँ H2 है, यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु है ना, तो ये देखिए हाइड्रोजन है
अब बताया है कि कोई भी बंधन रासायनिक बंधन हो उसमें क्या होता है, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉनिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होता है ना, चलिए तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है। अब ये अपना अष्टक पूरा करेगा तो इसके पास पहले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए ये भी अपना ऑर्बिट पूरा कर लिया और ये भी अपना ऑर्बिट पूरा कर लिया, तो ये आपस में साझा करके किए, यानी इसको अगर सूचित करना होगा तो ऐसे करेंगे एच सिंगल बॉन्ड एच। तो देखिए एकल सहसंयोजक बंधन को यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को एक लकीर से सूचित किया जाता है, एक लकीर ऐसे खींच दीजिएगा इसका मतलब है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है इस तरह से। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग क्लोरीन का, तो देखिए क्लोरीन है Cl और Cl, बाह्यतम कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको पता है क्लोरीन का 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी इसके बाह्यतम कक्षा पे 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। उसी तरह इसके पास भी 7 है, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, समझ गए ना। अब देखिए ये भी अपना ऑर्बिट पूरा कर लिया साझा करके, देखिए इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, उसी तरह ये भी अपना ऑर्बिट पूरा कर लिया और इसके पास भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, चलिए तो दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, एक युग्म का साझा हुआ ना, एक इसका है एक इसका है, इन दो का साझा हुआ है, यानी कि इनके बीच भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, समझ गए। तो ये जो है एकल बंधन कहलाएगा, ये जो बीच में एक लकीर खींचे है क्या है, एकल बंधन कहलाएगा, तो क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन क्या होता है, अगला बात करते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन है ना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। चलिए तो जब संयोजी करने वाले दो परमाणु परस्पर दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं यानी दो युग्म का साझा करते हैं तो उनके बीच कैसा बंधन बनता है, तो द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है और इसके लिए दो लकीर से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पता है आपको 2, 6 इलेक्ट्रॉन है ना बाह्यतम कक्षा पे, तो इस तरह से ये दो ऑक्सीजन है, चलिए 2, 2, 4 और ये 2, 6 इलेक्ट्रॉन इसके होगा, उसी तरह इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2, 2, 4 और ये 2, 6, ठीक है। तो अभी अगर और भी अष्टक पूरा करेंगे, देखिए और ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया, देख रहे हैं दो युग्म का साझा हुआ यानी 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको सिंगल बॉन्ड भी तो बना सकते हैं ना, लेकिन आप ऐसा करिएगा तो गलत हो जाएगा, चलिए आपको दिखाते हैं। दो ऑक्सीजन ले लिए, अगर आप चाहें कि दो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दे, दो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दे और एक यहाँ दे के एक यहाँ दे, 6 हो गए ना आपके। उसी तरह अगर आप एक यहाँ दे दे, दो यहाँ दे, 3 और 2, 5 और 1, 6। अब देखिए अगर आप इसको घेरना चाहेंगे तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, साझा हो रहा है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 अष्टक पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस तरह से नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान देंगे तो इसको आपको सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे तो कैसे आप और अपना अष्टक पूरा होगा इसका। उसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके बाह्यतम कक्षा पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 है, तो 2 यहाँ दे दिए 2 यहाँ दे दिए और ये 2 यहाँ दे दिए, ठीक है। उसी तरह इस ऑक्सीजन के पास भी 6 है, तो 2 यहाँ दिया 2 यहाँ दिया और 2 यहाँ दिया, 6 हो गया। अब कार्बन के बाह्यतम कक्षा पर आपको पता है ना 2 और 4, यानी बाह्यतम कक्षा पर 4 है, तो 2 इधर दे देगा और 2 इधर दे देगा, तो यहाँ देखिए ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास भी, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, ये 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। उसी तरह ये कार्बन की बात करें तो कार्बन भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा यहाँ से देखिए, तो यानी कि इनके बीच जो बॉन्ड बना डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना, समझ गए। चलिए तो अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन के बारे में, चलिए अगला देखते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन। जब दो संयोग करने वाले दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का यानी 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो क्या कहलाते हैं, इन परमाणुओं के बीच त्रिक सहसंयोजक बनता है और इसके लिए 3 लकीर द्वारा इसको सूचित किया जाता है। कहने का मतलब जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के 2 अणु हैं यहाँ पे, 2 परमाणु हैं, चलिए तो ये आपका 2 नाइट्रोजन हो गया। अब इसकी बात करें तो 2 और 5, यानी इसके बाह्यतम कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, बचा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, ठीक है। उसी तरह ये इधर 2 रखे और 3 यहाँ दे दिए, तो देखिए इसका अष्टक पूरा हो गया ना 8 का, और ये भी इसका भी अष्टक यहाँ से पूरा हो जाना, देख रहे हैं, तो
का साझा हुआ है ना, यानी 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, 2 युग्मों का साझा हुआ है, तो इनके बीच कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा इस तरह से, ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। दूसरा एग्जांपल हम लोग एसिटिलीन का ले लेते हैं, जिसे C2H2 कहते हैं, C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। ये नामकरण जो है ना अगले चैप्टर में हमको कार्बन तथा इसके यौगिकों को पढ़ना, तो इसके नाम भी आपको बताएंगे कैसे रखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। तो अगर देखें यहाँ पे कार्बन 2 है और 2 आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद तुम कक्षा पे हाइड्रोजन के बाद तुम कक्षा पे 1 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे ना, और इसके बाद तुम कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद तुम कक्षा पे इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो 1 इधर दिया और 3 ये इधर रखा, इस तरह ये 1 इधर दिया और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, ठीक है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग होगा ना, इसलिए क्रॉस से इसको सूचित कर रहे हैं और उसको डॉट से। तो देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया अपना स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 ही की जरूरत है, 2 ही 2 हो गए। सर यहाँ कार्बन की बात करें तो देखिए कार्बन को 8 चाहिए, 3 × 3 = 6 और ये 2 = 8 हो गया। इस तरह इस कार्बन को भी 8 चाहिए, तो देखिए अपना व्यवस्था पूरा कर लिया ना यहाँ से, ठीक है। तो इनके बीच जो बॉन्ड बना यहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक। यहाँ से आपको समझ में आ गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। चलिए तो अब इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। चलिए तो इसकी विशेषताओं की बात करें, तो पहले यहाँ देखिए लिखते हैं सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं क्या होती है। तो पहले लिखा है सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील द्रव या गैस के रूप में होते हैं, ठीक है। ये कैसे रूप में होते हैं, तो द्रव या गैस के रूप में होते हैं। जैसे द्रव की बात करें तो जल, अल्कोहल, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या है, द्रव के रूप में होते हैं, ये क्या है, सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। दूसरा है कि जैसे गैस की बात करें तो मीथेन है, एथेन है, एथीन है, कार्बन डाई ऑक्साइड है, ये सब क्या है, गैस के रूप में होते हैं। ठोस की बात करें तो ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सब आदि किसमें रहते हैं, ठोस के रूप में, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं द्रव या गैस के रूप में ही होते हैं। दूसरी बात करते हैं कि सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, इनके द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होते हैं, लेकिन आप देखे थे वायु संयोजक यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक क्या थे, उच्च थे, देखा ना दोनों में फर्क। दूसरा सहसंयोजक यौगिक के जल में प्रायः अविलय होते हैं, जल में प्रायः अविलय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में ये प्रायः विलय होते हैं, तो ये उल्टा होता है, वायु संयोजक का उल्टा होता है, ठीक है। ये जल में अविलय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये विलय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन उसमें वायु संयोजक में देखे थे कि उनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उनके जलीय विलयन से, ठीक है। तो यहाँ से दोनों में अंतर भी समझ लिए हम लोग। चलिए तो अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अगला हेडिंग है आपका प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति। तो धातु में प्रकृति है ना, धातुओं की प्रकृति में कैसी उपस्थिति, कैसे उपस्थित रहते हैं, उनके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो लिखा हुआ यहाँ कि प्रकृति में धातुएं सबसे बृहत स्रोत है ना, प्रकृति में धातुओं का सबसे बृहत स्रोत है। पृथ्वी की परत और समुद्री जल में बहुत सी धातुओं के लवण घुले हुए रहते हैं, है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि में, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि पृथ्वी की परत के अंदर और समुद्री जल वगैरह में क्या पाए जाते हैं, धातुओं की उपस्थिति रहती है। तो प्रकृति में अगर धातुओं की बात करें तो ये 2 रूप में पाए जाते हैं, पहला मुक्त अवस्था में और दूसरा होता है संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था क्या होता है, तो सबसे पहले मुक्त अवस्था देख लेते हैं कि वे धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है जिन पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ज्यों की त्यों अवस्था में ही बनी रहती है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब 100 साल बाद भी उसको देखिएगा तो वो उसी तरह ही होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले बात करें सिल्वर का, चांदी जो होता है आपको प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, और ये किसी की साथ क्रिया नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो गोल्ड भी उसी तरह है, AU, है ना। उसी तरह अगर प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम भी, यानी ये 3 जो धातुएं हैं ये किस अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, प्रकृति में, ठीक है। दूसरी बात करें संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली, वे धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है जो वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि के साथ आसानी से अभिक्रिया करके, है ना, संयुक्त अवस्था की धातुओं के रूप में, सॉरी, संयुक्त अवस्था की धातुएं जो होती है ये यौगिक के रूप में पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वे धातु जो अभिक्रिया कर लेती है वायु के ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जलवाष्प आदि के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है, वे संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, और जो संयुक्त अवस्था में पाएगी तो वो यौगिक के रूप में पाएगी। यौगिक में, यौगिक का मतलब है उसमें एक से अधिक
पदार्थों का जो मिश्रण होता है समांग मिश्रण वो यौगिक होता है। जैसे अगर बात करें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ये सब किस में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ये आसानी से क्रिया कर लेती हैं वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि के साथ। अगली बात करते हैं हम लोग खनिज और अयस्क के बारे में, यानी खनिज और अयस्क क्या होता है इसके बारे में, यानी मिनरल और ओर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकृति में, प्रकृति की परत में विद्यमान धातु युक्त पदार्थ खनिज कहलाते हैं, जिसमें धातु की मात्रा होती है वैसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? खनिज की बात करें खनिज कहलाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, ये सब क्या है? खनिज है। ये सब क्या है? खनिज है। ये प्रकृति में पाए जाते हैं। तो अगर बात करें कि भारत में पाए जाने वाले कुछ खनिज जो हैं, तो हम आपको बता देते हैं भारत में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से होते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये भारत में पाए जाने वाले खनिज और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें खनिज जो है बोरेक्स, चिली या साल्टपीटर, तो इनसे क्या प्राप्त होता है? तो इससे धातु सोडियम प्राप्त होता है, और ये कहाँ मिलता है? तो लद्दाख यानी कश्मीर में मिलता है। दूसरा पाया जाने वाला खनिज जो है डोलोमाइट और मैग्नेसाइट होता है, जिससे हमें मैग्नीशियम प्राप्त होता है, और ये तमिलनाडु में पाया जाता है। तीसरा खनिज है आपका जिप्सम, जिसे हमें कैल्शियम प्राप्त होता है, और ये राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। अगला है आपका बॉक्साइट है ना, जो जिससे हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में मिलता है। ये सबसे ज्यादा उड़ीसा में ही पाया जाता है, ठीक है। अगला खनिज की बात करें तो आपका है कॉपर, पाइराइट और मिलकाइट, ठीक है। ये कहाँ, इसे क्या मिलता है? कॉपर मिलता है, ये झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में होता है। अगला है आपका जिंक ब्लेड, जिसे हमें जिंक प्राप्त होता है, ये राजस्थान में पाया जाता है। तीसरा है हेमेटाइट, जो झारखंड तथा कर्नाटक में पाया जाता है, और इसे क्या प्राप्त होता है? हमें आयरन प्राप्त होता है। तो ये भारत में पाए जाने वाले खनिज हैं, और उनसे कौन कौन से धातु मिलते हैं और एक किस स्थान पाए जाते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। अगले बात करते हैं हम लोग अयस्क के। तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होता है, जिसे कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि अयस्क भी एक तरह का खनिज ही हो जाता है, जिसमें ज्यादा मात्रा में, वैसा अयस्क जिस, अयस्क क्या होता है कि वैसा खनिज जिसमें ज्यादा मात्रा में धातु रहता है, उसे कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं और सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, उसे धातु वो क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अगर बात करें बॉक्साइट जो देख रहे थे, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम को कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि उसे आसानी से उससे सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बॉक्साइट क्या है? अयस्क होगा एल्युमिनियम का, बॉक्साइट जो होगा क्या होगा? तो बॉक्साइट यहाँ लिख सकते हैं कि बॉक्साइट इसका अयस्क होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो यहां से आपको याद बता रहना चाहिए कि अगर अयस्क की बात करें तो सभी अयस्क क्या होते हैं? तो एक तरह के खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक। अब थोड़े अयस्क के प्रकार के बारे में हम लोग देख लेते हैं इसमें। चलिए तो पहला देखते हैं, यहाँ है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क यानी कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन आदि जो होते हैं ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, यानी जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टीन का ऑक्साइड, तो ये अयस्क इस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है। सल्फाइड अयस्क यानी एक सल्फाइड के फॉर्म में रहता है, यानी कॉपर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, इस तरह से ये पाए जाते हैं, यानी उनसे हमें कॉपर प्राप्त होगा, सिल्वर प्राप्त होगा, जिंक प्राप्त होगा, मरकरी प्राप्त होता है। तो ये किस रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में? तो इनके ये सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, ये ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। उस तरह कार्बोनेट अयस्क यानी सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, आयरन आदि जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो कार्बोनेट अयस्क होते हैं। अगला है हैलाइड अयस्क यानी कि कैल्शियम, सिल्वर आदि हैलाइड अयस्क के रूप में मिलते हैं। अगला है फॉस्फेट अयस्क, फॉस्फेट अयस्क जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में मिलता है, ठीक है। तो अब इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778799 पे व्हाट्सएप करके
अपने प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो आप वीडियो कोई भी देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं, थोड़ा सा हम लोग को भी इससे कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप कोई भी वीडियो देखें तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, ठीक है। तो इस पर ध्यान दें आप लोग बहुत ज्यादा।